हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सबके अपने चैनल लड्डू खाना शॉर्ट्स में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में अपने लड्डू और कान्हा का मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, और साथ में रूम टूर भी हो गया। ये देखिए, और मेरे लड्डू कान्हा को तो देखिए कितने प्यार से सो रहे हैं। जगाने का मन ही नहीं करता, क्या करें, पर उठना तो ज़रूरी है ना। उठिए मेरे कान्हा, उठो मेरे लड्डू, मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से उठ जाओ, सुबह हो गई है। और ऐसे इनके हाथ पैर दबाते दबाते मैं इनको उठा देती हूँ। लड्डू बाबू, उठिए जरा। और ये देखिए, अरे ये तो अभी भी नींद में है, अभी भी सोना है, अब नहीं सोना लड्डू। तो इनको मैं इनके सोफे पे बिठा देती हूँ। और अभी है कान्हा की बारी। कान्हा जी, उठिए जरा। और ये मेरे कन्नू भी उठ गए। कान्हा, ए कान्हा, चलिए कान्हा जी सुस्ती से जाग जाइए। और अभी आप भी अपने सिंहासन पे बैठ जाइए। और ये देखिए, मेरे प्यारे से बच्चे नींद में है, इनको मुरलियाँ भी दे देती हूँ, क्योंकि मुरली बिना तो कान्हा जी अधूरे ही है ना। और इसके बाद फिर मैं गीले कपड़े से इनके हाथ पैर और मुंह पोंछ देती हूँ, ताकि इनको फ्रेश फ्रेश लगे। और साथ में अब लड्डू को भी पोंछ देती हूँ। मेरा लड्डू हाइट में छोटा है, लेकिन शैतानियों में बहुत बड़ा है, बहुत शैतानी करता है। सुबह सुबह भी इसके मुंह पे शैतानी होती है। और इसके बाद मैं इनको पानी पिला देती हूँ। आप भी अपने लड्डू गोपाल को सुबह उठा के उनके हाथ पैर पहुँच के उनको पानी पिला सकते हैं, क्योंकि प्यास तो बहुत लगती है ना उठते ही, और ये तो बच्चे हैं। और ये देखिए, सुबह सुबह भी कितनी प्यारी स्माइल करते हैं मेरे लड्डू और कान्हा। उठने के बाद भी इनकी आंखों में मासूमियत और शैतानी दोनों एक साथ झलकती है। जी करता है कि देखे जाऊं। सुबह इनके दर्शन से होती है तो पूरा दिन बहुत अच्छे से जाता है। और पानी पिलाने के बाद थोड़ी देर बाद मैं इनके लिए दूध ले आती हूँ। हे कान्हा, हे मेरे लड्डू, मेरे प्यारे बच्चों, दूध पी लो। सारी रात के तुम लोग भूखे थे, थोड़ी भूख लगी होगी, दूध पी लो मेरे लाला, मेरे प्यारे बच्चे। और ऐसे ही लाड़ दुलार करके, प्यार करके मेरी प्यारी सी सुबह होती है। हमारे गोपाल जी तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, वो नहीं चाहते कि आप उनके लिए कुछ स्पेशल करें या कुछ अलग करें। जैसा आपका मन हो, जैसे आपकी इच्छा हो, आप वैसे उनकी सेवा कर सकते हैं। अरे वो तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, उन्हें तो सिर्फ प्यार और प्यार चाहिए। ये नहीं है कि उनके लिए भजन गाइए, आरती गाइए। अगर आपको भजन नहीं आता तो आप उनको प्यार से बोल के भी उनके लिए, उनको प्यार से मना सकते हैं, जगा सकते हैं। और फिर इनको दूध देने के बाद मैं इनका बिस्तर लगा देती हूँ। सुबह सुबह बिस्तर भी तो लगाना चाहिए ना। और ये देखिए, मेरे कान्हा और लड्डू कैसे देख रहे हैं, और मैया उनका बिस्तर लगा रही है। तो मैं इनके कंबल को ठीक कर देती हूँ, और बस थोड़ी देर के लिए दूध इनके पास रखे रहने देती हूँ। और इसके बाद हो जाता है इनके नहाने का टाइम, तो मैं इनके कपड़े निकाल देती हूँ। चलिए कान्हा, नहाने का टाइम हो गया है, नहाई नहाई करनी है। और हाँ, अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो बच्चों के लिए तो आ ही गई हैं। हमारे यहाँ पे भी बहुत ठंड हो गई है, अभी सुबह शाम तो बहुत होती है, लेकिन बच्चों के लिए है कि टेम्परेचर अभी कम हो गया है, तो बच्चों को गर्म कपड़े ही पहना के रखने चाहिए, और गर्म पानी से ही नहलाना चाहिए। तो मैं भी गुनगुने पानी से ही नहलाती हूँ। ये देखो, दोनों बच्चे बदमाश तैयार हो गए नहाने के लिए, और थाली रख ली है मैंने। थाली को कभी भी अकेले लड्डू गोपाल जी को नहीं बिठाना चाहिए। थाली में या तो स्वास्तिक बना लें, या तुलसी दल रख लें, या फिर फूल रख सकते हैं जैसे मैंने रखा। और ये मेरे कान्हा जी आ गए हैं, और साथ में लड्डू भी। अब ये दोनों साथ में मैया से लाड़ लड़वाते हुए नहाएंगे। और ये देखिए, थोड़े से और अब फूल डाल देती हूँ इनकी थाली में, ताकि मेरे लाला फूलों की तरह ही सारा दिन सुगंधित रहें।
और बस ऐसे ही लाड प्यार करते दोनों बच्चे नहा लेते हैं और मैंने गर्म पानी लिया है और पहले बच्चों के पैरों पे पानी डालना चाहिए दोनों के और उसके बाद ही सिर पे पानी डालना चाहिए। और नहलाते टाइम आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना है नहलाते हुए और ऐसे ही। और ये देखिए हम फूलों से खेलते हुए लाड करते हुए नहा लेते हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं ना हमारे लड्डू और कान्हा। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा लड्डू गोपाल की सेवा लेने का मन करता है लेकिन उनके काम बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। आपका जैसा मन हो, जैसे आप उनको बस अपने मन में बसा के रखो, वो आपसे हमेशा प्यार करेंगे। प्रभु कभी नहीं कहते मेरे लिए ये करो वो करो, प्रभु तो बस भाव के भूखे हैं। और ये देखिए मेरे लड्डू को कितनी शैतानी से स्माइल कर रहा है, राधा नाम भी लिखवाया है अपने सीने पे। और ये देखिए इनको तैयार कर देते हैं और आज ये वाली ड्रेस पहनेंगे मेरे कान्हा और लड्डू, सेम सेम ड्रेस है दोनों की। और ये देखिए मेरा लड्डू अभी अपनी ड्रेस पहनेगा और ये ड्रेस मेरी मामी सास ने बनाई थी, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, बहुत सारी ड्रेसेस दिखाई हैं, देखना ज़रूर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उस वीडियो का। और ये देखिए मेरा लड्डू बाबू कितना निखर के आया है इस कलर में, बहुत क्यूट लग रहा है मेरा लड्डू। कोई भी श्रृंगार करने का मन नहीं है लेकिन श्रृंगार तो मेरा लड्डू कराएगा ही ना। और ये देखिए ये ड्रेस बिल्कुल मेरे लड्डू के साइज की है। और बस अभी इसके बाद मुरली की कमी है, मुरली लेके आइए मेरे लड्डू की। और ये मैं इनको मुरली दे देती हूँ और ये हो गया मेरे लड्डू का श्रृंगार पूरा, नजर ना लगे मेरे बेटे को। और ये देखिए मेरे कान्हा भी आ गए हैं तैयार होने, इनको बहुत ठंडी लगती है तो चलिए कान्हा जी तैयार हो जाइए, सुंदर सुंदर भी तो दिखना है ना आपको। मेरे कान्हा को मैंने पजामा पहले ही पहना दिया था और ये देखिए ये ड्रेस मेरे कान्हा पहनेंगे तो एकदम गुलाब की तरह खिल जाएंगे। और ये पहले नीचे वाली बाजू से पहना देती हूँ। मेरे प्यारे कान्हा अच्छे से ड्रेस पहन लो, शैतानी मत करो, आप ऐसे करके अपने लड्डू गोपाल को आराम से ड्रेस पहना सकते हो, उनको अपने बालक के रूप में ही माने, बालक के रूप में ही उनकी सेवा करे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार का बर्डन है या फिर जिम्मेदारी है, आपको वो सब करने में बहुत ज़्यादा आनंद आएगा जैसे मुझे आता है और सभी सखियों को आता है जिन्होंने गोपाल की लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है। आप इस चीज़ से बिल्कुल भी मत डरिए। और ये देखिए मेरे कान्हा जी लग रहे हैं ना गुलाब का फूल, एकदम बहुत प्यारे लग रहे हैं मेरे दोनों बच्चे। और अभी इनको गले का सेट पहना देते हैं, आज मैं ये वाला नेकलेस पहना रही हूँ मेरे कान्हा को रेड कलर में। साथ साथ में मेरे कान्हा की स्माइल भी देखिए तैयार होते हुए कितने प्यार से स्माइल कर रहा है, देख रहा है। और इसके बाद मैं एक ये लॉन्ग सेट पहना देती हूँ ताकि मेरे कान्हा और अच्छे लगे, सजना सवरना तो उनको इतना ज़्यादा पसंद है कि बता ही नहीं सकते, उनको तो जितना सवारो उतना कम, उन्हें सवारने में बहुत आनंद आता है। और ये देखिए फिर मैं इनको इनके बाल लगा देती हूँ, इनकी लटे सुलझा देती हूँ। और ये इनकी कैप है जो मैंने इन्हीं की ड्रेस से अटैच करवा रखी है ताकि घूमे ना, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है ये कैप अटैच करवाना। और ये देखिए मेरे कान्हा, मेरे प्यारे से कान्हा अच्छे लग रहे हैं ना। और ये इनका गले का नेकलेस था सेट तो उसी को मैंने ऐसे इनके कैप पे लगा दिया तो और ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं मेरे कान्हा। और इसके बाद मैं मोर पंख लगा देती हूँ, ये मैं मोर पंख लेके आई थी। और ये देखिए मोर पंख लगाने के बाद मेरे जो कान्हा हैं वो और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे,
ये देखिए जरा, मासूम सा बच्चा बैठ गया है और अभी मैं इनको मुरली पकड़ा देती हूँ। दोनों की मुरलियाँ मैंने चांदी की बनवाई है। और ये देखिए, जो जिस पात्र में हमने अपने लड्डू गोपाल को नहलाया था, उसको हमें तुलसी माता में डाल देना चाहिए। हमारी तुलसी माँ बहुत प्रसन्न होती है उनके नहाए हुए जल से। ये आप खुद पी भी सकते हैं। और ये देखिए, मैं उनकी जड़ों में डाल देती हूँ। आपके घर पे तुलसी माता नहीं भी है तो आप किसी पौधे में भी वो पानी डाल सकते हो, लेकिन वेस्ट नहीं करना चाहिए, नाली में नहीं डालना चाहिए। तो आप ऐसे कर सकते हो। और ये देखिए, मेरी तुलसी माता दिखा रही हूँ मैं आपको, मेरी तुलसी महारानी है ये। और ये मैंने मेरे कान्हा और लड्डू का प्ले रूम बनाया है, तो मैं अपने कान्हा और लड्डू को आराम से बिठा देती हूँ और साथ में इनके कुछ खिलौने दे देती हूँ। ये कैरम है जो मैं एक शॉप से लेके आई थी, कि लड्डू कान्हा आप कैरम खेलिए, और साथ में लूडो भी है, उनका मन करेगा तो लूडो खेल लेंगे, नहीं तो कैरम खेल लेंगे। और साथ में कुछ स्नैक्स भी दे देती हूँ। मैं एप्पल काट के लेके आई हूँ आज, और साथ में बिस्किट भी हैं। खेलते खेलते ये लोग, इनको जो मन करेगा वो खा लेंगे। और साथ में ये एक छोटा सा टिफ़िन है, इसमें मैं इनकी मिश्री रखती हूँ डाल के इनके खाने के लिए। और जब तक ये खेलेंगे तब तक मैं घर का काम कर लूँगी और साथ में फिर लंच भी बना लूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। राधे राधे।